नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के टू द पॉइंट का टॉपिक है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 रिपोर्ट जारी की है। 2020 में वैश्विक बेरोजगारी के लगभग 2.5 मिलियन बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। पिछले 18 वर्षों में निम्न आय वाले देशों यानी लो इनकम कंट्रीज में प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि केवल 1.8% दर्ज की गई है। अब इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार लिंग, आयु और भौगोलिक स्थिति से संबंधित असमानताओं से व्यक्तिगत अवसर और आर्थिक विकास दोनों सीमित होंगे। वैश्विक बेरोजगारी पिछले 9 वर्षों से स्थिर दर्शाई गई है। दुनिया भर में बेरोजगारों की संख्या लगभग 188 मिलियन है। लगभग 165 मिलियन लोग अल्प वेतन यानी अंडर पेड से प्रभावित हैं। वहीं 630 मिलियन से अधिक श्रमिक कार्यशील निर्धनता से प्रभावित हैं। वर्ष 2020-21 में विकासशील देशों में मध्यम या अत्यधिक कार्यशील निर्धनता यानी वर्किंग पॉवर्टी बढ़ने की संभावना जताई गई है। कार्यशील निर्धनता की बात करें तो क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रतिदिन 3.20 डॉलर से कम आय की स्थिति कार्यशील निर्धनता कहलाती है। इससे 2030 तक गरीबी उन्मूलन के सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 1 को प्राप्त करने में बाधा आएगी। 15 से 24 आयु वर्ग के लगभग 267 मिलियन युवा रोजगार, शिक्षा या किसी प्रकार के प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। व्यापार प्रतिबंध और संरक्षणवाद में वृद्धि से रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ एशिया प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि दर में कमी आई है। वर्ष 2018 में 5.1% से घटकर वर्ष 2019 में 4.6% रह गया है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र तथा लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज समूह में शामिल हो गया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों, श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए यह संगठन समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के एक हिस्से के रूप में की गई थी। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से संबंधित है। वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी के तौर पर ILO इसमें शामिल हो गया। अब इस टू द पॉइंट के आधार पर आज के प्रश्न पर एक नजर डालें। आज का प्रश्न है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा जारी किया गया है। कथन दो, इसके अनुसार दुनिया भर में बेरोजगारों की संख्या लगभग 188 मिलियन है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों।